बीजेपी ऑफिस के सामने हंगामा हो रहा है। हंगामा हो रहा है बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, गालियों की बौछार भी हो रही है। अत्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अत्विक की उम्मीद बने। ये पूरी घटना है जगदलपुर की, जहां महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका जोरदार विरोध शुरू कर दिया और फिर मामला बिगड़ता गया। कांग्रेस का कहना है कि वो बीजेपी की केंद्र सरकार का विरोध करने आई थी। महंगाई को लेकर पूरी जनता त्रस्त है, देश और दुनिया में कोविड को लेकर वैसे ही परेशानी चल रही है, लाखों लोग की मौत हो चुकी है, इसके बावजूद भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की कोई नीति नहीं है। 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल तेल हो चुका है, 200 रुपए के ऊपर सरसों तेल हो चुका है। इसी को लेकर यूथ कांग्रेस के द्वारा, हमारे संघ के द्वारा, जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और समस्त पदाधिकारियों के द्वारा आज भाजपा कार्यालय में सांकेतिक रूप से भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया, जहाँ हम केंद्र सरकार जो कि महंगाई को लेकर कोई नीति नहीं बना रही है, उसकी गलत नीति से जनता रोड में आ चुकी है, परेशान है, इन सब मांगों को लेकर हम महंगाई के विरोध में, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में आज भाजपा के कार्यालय में, स्थानीय कार्यालय में, संभाग मुख्यालय जगदलपुर में भाजपा कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ता उनके दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया। इसके साथ ही बीजेपी ने राज्य की भूपेश बघेल सरकार को भी निशाने पर लिया। ये बहुत ही गलत है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब से कांग्रेस की सरकार है, इनकी दादागिरी इतनी बढ़ गई है कि आप हम किसी के निजी निवास पे, निजी कार्यालय में, उस पर जाके ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, ये कतई गलत है, जबकि ये होना नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इसमें पुलिस प्रशासन बहुत ही कमजोर है और दबाव में काम कर रही है। ऐसे में तो स्थिति खराब हो सकती है, तनाव की स्थिति बनेगी, हमारे लोग भी हैं, फिर उनको संभालेगा कौन? ये तो प्रशासन को देखना चाहिए और शासन को देखना चाहिए। ये इतनी एक गुंडागर्दी खुल के आ रही है, ये जनता देखे, छत्तीसगढ़ की जनता देखे कि कैसे कांग्रेस को लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक डॉक्टर को मांग रहे हैं, पत्रकार को मांग रहे हैं और राजनीतिक दलों के कार्यालय में जा रहे हैं। ये कोई शासकीय निवास नहीं है, ये हमारा पार्टी का निजी कार्यालय है, इसमें किसी को आने का किसी का हक नहीं है, उसका परमिशन किसने दिया है? ये बहुत ही गलत बात है। प्रदर्शन बिल्कुल और जंगी प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी ऑफिस के बाहर हंगामा को बढ़ता देख 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह से कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से अलग थलग किया गया। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा जो है बीजेपी कार्यालय के सामने जो है विरोध प्रदर्शन किया गया था, और चूंकि जो है कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जो है पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी, शहर और जो लाइन के जो बल हैं वो तैनात कर जो है मामले को शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रदर्शन को संपन्न कराया गया, और अभी तक की स्थिति में जो है हालात अभी सामान्य हैं। पुलिस के समझाने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता तो वहां से चले गए, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। इतना नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद को भी रोक लिया। आपको बता दें कि बस्तर संभाग में ये पहली बार है जब बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे से इस तरह भिड़े हो। जगदलपुर से धर्मेंद्र महापात्रा की रिपोर्ट, MP तक।